उत्तर भारतीय परिवार वालों का जो है छठ पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वैसे ही कड़ी में जो है आज छत्तीसगढ़ की प्रयाग नगरी रांची में बड़े ही धूमधाम के साथ छठ पर्व को मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं त्रिवेणी संगम की इस पावन धरा पर जो है विभिन्न समाज के लोग और उत्तर भारतीय परिवार यहाँ पे छठ पूजा का जो है यहाँ पे पूजा का आयोजन किया जा रहा है। आइए जानते हैं छठ पूजा के बारे में कि क्या इसकी महत्ता है। जी बताएं कि क्या इसकी महत्ता है छठ पूजा। पति और पुत्र की लंबी आयु के लिए हर समस्या के लिए इस व्रत को व्रत किया जाता है और प्रकृति की पूजा है, नदी की पूजा है, सूर्य भगवान की पूजा है, सभी मनोकामना को पूर्ण करते हुए छठी मैया सूर्य देव इसीलिए किया जाता है ये पूजा को। आइए जानते हैं और भी हमारे साथ जो है कुछ नेता मौजूद हैं। जी क्या कहना चाहेंगे आज छठ पर्व के बारे में? देखिए ये भगवान सूर्य की आराधना वाला विषय है जी, और बहुत प्रकार के संकट हैं समाज में, देश में, अगल बगल में भी, और उसका समाधान भी लोगों की सामर्थ्य और शक्ति से करना पड़ेगा। और इस बड़ा संघर्ष में, इस बड़े युद्ध में किसी का सबसे बड़ा योगदान है भगवान सूर्य का। युद्ध के सबसे बड़े देवता सूर्य है, इसीलिए तमाम प्रकार की विकृतियां, विसंगतियां, संकट आम लोगों के प्रति जो है देश में भी दुनिया में भी, उसके समाधान के लिए भगवान सूर्य आएंगे तभी संभव होगा। ये आराधना उसी का प्रतिरूप है। राम रावण की लड़ाई में भी अगस्त ऋषि के नेतृत्व में एक मीटिंग हुई और उसमें कहा गया कि ये युद्ध कैसे जीता जाए, तो उन्होंने ही बताया था कि भगवान सूर्य की कोई आराधना लिखे और उसका स्तुति भगवान राम से कराया जाए। सबने कहा कि अगस्त ऋषि से आपसे बड़े और कोई है, आप ही को लिखना पड़ेगा। उन्होंने आदित्य हृदय स्तोत्र की रचना की है भगवान सूर्य की आराधना के लिए, और उन्होंने भगवान राम को प्रवाहित जल में खड़ा करके और तीन गुना उनका स्तवन कराया, उसके बाद ही रावण का वध हुआ और उनका विजय हुआ था। अभी दुनिया में, समाज में, देश में, प्रदेश में जो संकट है उसके समाधान के लिए, उसको समाप्त करने के लिए केवल भगवान सूर्य, इसीलिए सूर्य की आराधना है। क्या कहना चाहेंगे प्रदेशवासियों को आज के इस अवसर पर? हम चाहेंगे सभी जगह भगवान सूर्य के पूजन का बड़ा बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। कल हम रायपुर में भी, वो जो नदी है महादेव घाट में भी हम गए थे, बहुत बड़ा भीड़ है, बहुत जगह में है। भगवान सूर्य इस समय जो संकट है, बहुत बड़ा संकट है, अगर पेड़ पौधे नहीं लगाए गए, ग्लेशियर पिघलने लगा है, ग्लोबल वार्मिंग को आमंत्रण दे दिया गया है, उसको रोकने के लिए भगवान सूर्य से हम प्रार्थना करते हैं। सारे लोगों में जागृति है, पेड़ पौधे भी लगाना शुरू करें, और आने वाला जो बड़ा संकट है, जो पृथ्वी नष्ट हो जाने वाली है, उसको बचाने के लिए भगवान सूर्य से हम प्रार्थना करते हैं। सब जगह इसकी आराधना हो रही है उनके कृपा से, उनके आशीर्वाद से, और उन्हीं के ठीक दृष्टि से कि दुनिया बच सकती है, उसके लिए आराधना हो रही है। हम चाहते हैं भगवान सूर्य जी से जरूर हम सब पर कृपा करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पर वो पर सूर्य की आराधना पर हम लोग छत्तीसगढ़ ही, नया प्रदेश बना है, तीन प्रदेश बना था, तो छत्तीसगढ़ ही जो हमारे लोग हैं दूर जंगलों में, पहाड़ों में, सब जगह, इस पर्व से एक नए युग का सृजन होगा। हम नए युग में प्रवेश करेंगे और राज्योत्सव और बाकी सब औपचारिक सब कार्यक्रम हुआ है जी, तो सबको भी अंतिम रूप देने के लिए भगवान सूर्य की ही आराधना जी, वो सब उसको पूरा करेंगे। इस सूर्य पूजन का, छठ पर्व का जो कार्यक्रम है, सभी प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से अशेष मंगल कामना है। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद कुमार साय जी, और भी कुछ लोगों से हम जानते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे आज इस पर्व के बारे में, क्या क्या इसकी पूजा विधि है, क्या क्या इसकी मान्यता है, इसके बारे में? छठ पर्व का बहुत बड़ा मानता है, ये चार दिनों का पर्व रहता है। पहला रहता है खरना, नहाए खाए, उसके बाद दूसरा होता है खरना। चार दिनों से व्रती उपवास में रहते हैं, नहाए खरना से, पांच से दो दिन कंटिन्यू निर्जला व्रत उपवास रहते हैं। ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा छठ पर्व है, इसको यूपी बिहार के लोग बहुत ज्यादा अत्यधिक मानते हैं।
और इसको बहुत श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है। और भी कुछ हमारे साथ जो है युवा साथी मौजूद है जी, क्या है महत्ता इसकी, छठ पर्व की महत्ता? सबसे पहले हमको ना इसमें पर्यावरण के प्रति संरक्षण का बहुत बड़ा उदाहरण दिखता है। आप कल ही हम सब सबसे पहले आए और आसपास घाटों की सफाई किए, और उसके बाद सफाई करने के बाद जितने भी जो भी देखे कि जब हम सफाई कर रहे थे तो बहुत कूड़ा कचरा, इसमें ये भी देख रहे हैं कि महानदी का भी धीरे धीरे क्षय होते जा रहा है, तो ये सबसे नदी को बचाना बहुत जरूरी है। तो ये छठ पर्व जैसे समापन होता है उसके बाद हम प्रयास करेंगे कि नदी की सफाई के लिए एक टीम बन तैयार करें और सफाई करें। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो है आज जागरूकता के साथ साथ जो है धर्म धर्म से जुड़कर जो है पर्यावरण को जोड़ने की प्रक्रिया छठ पर्व जो है आज बड़ी धूमधाम के साथ यहाँ मनाया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे जो है सूर्य भगवान जो है निकल चुके हैं और जिसको अर्घ दिया जा रहा है। क्या क्या पूजा विधि किया जाता है इसके बारे में बताएं? पूजा विधि के बारे में मुझे तो एकदम विशेष जानकारी नहीं है, मगर मैं इतना कहूंगा कि 36 घंटे की उपासना करने के बाद व्रती अभी जैसे ही उगते सूर्य को का पूजन करने के बाद जल से ही अपना व्रत तोड़ेगी। और भी कुछ हमारे साथ जो है नगर के वरिष्ठ लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज इस छठ पर्व की महत्ता के बारे में। जी भी क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं समस्त नगर वासियों को और हमारे अंचल के सभी भाइयों को, बहनों को, दीदियों को इस छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मैं सूर्य भगवान से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि पूरे अंचल को खुशहाल बनाए रखें, सभी के जीवन में सुख समृद्धि यश वैभव कीर्ति बना रहे। और भगवान सूर्य से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आने वाले समय में हमारी जितने भी भैया दीदी लोग हैं जो व्रत रखे हैं उनकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें। और देख सकते हैं यहाँ पे जो है छठ पर्व मनाने के लिए महिला पुरुष एवं छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग यहाँ पे पहुंचे। साथ नगर के वरिष्ठ चिकित्सक राजन गदिया जी मौजूद है, आइए जानते हैं छठ पर्व के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी गदिया जी बताएं क्या? देखिए हम इस पूरे जगत में सूर्य को सबसे प्रथम देव मानते हैं और सूर्य की पूजा की जो ये परंपरा है सनातन परंपरा निसंदेह देश के लिए और विश्व के लिए बहुत अच्छी है। सब एकत्र होकर दूसरी दिवाली यहाँ पर मनाते हैं, उत्साह का माहौल बनता है। हालांकि ये परंपरा बिहार से प्रारंभ हुई थी पर धीरे धीरे अब लोगों में जागरूकता आ रही है कि सूर्य हमारे बड़े देवता है, उनकी भी पूजा की जानी चाहिए और बड़े उत्साह के साथ ये कार्यक्रम किया जाता है। और ये सबसे अच्छी बात है कि परिवार की कल्याण के साथ साथ पूरे विश्व के पूरे जगत के लिए पूरे क्षेत्र की कल्याण की भावना के साथ ये पूजा की जाती है। सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है पूजा पाठ का यहाँ पे बहुत ही लंबा क्रम यहाँ पे चलता है। जी ये यहाँ पे बैठ के क्या करते हैं? सबसे पहले जैसे अर्घ देने के बाद आके अब सब अपना अपना प्रसाद के लिए जैसे देखेंगे आप सबको जाते हैं और प्रसाद लेते जाते हैं और व्रती जो है वो प्रसाद देते जाते हैं। प्रसाद में ठेकुआ बनाया जाता है। ठेकुआ इज काइंड ऑफ स्वीट बट वेरी हार्ड टू ईट, थोड़ा सा हार्ड होता है। चलिए ना आप देखिएगा तो आपको ठेकुआ प्रसाद क्या क्या रहता है वो सब दिखाते हैं। चलो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है अभी इनका पूजा पाठ करके कहाँ घर ले जाएंगे, फिर घर में भी क्या पूजा पाठ करेंगे? आप पूछते हैं वापिस जी जी क्या क्या पूछने रहेगा जी बताएं कि आज के पर्व के लिए क्या क्या बनाया जाता है इसमें प्रसाद में क्या क्या बनाया जाता है छठ में? ये ठेकुआ है, फल है, मिठाई है, चना है, चिवड़ा है, बतासा है, मतलब सब तमाम है। ऋतु फल है, जितने ऋतु फल मिल सकते वो सारे ऋतु फल है इसमें, जितना अवेलेबल हो सकता है सब इस्तेमाल किया जाता है। इस कामना के लिए और किया जाता है ये घर की सुख संपत्ति वृद्धि बाल बच्चे और शांति सब के लिए है। पौराणिक महत्ता के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? इसमें क्या है, एक तो आदमी मन्नत में मांगता है जल पूरा, और पौराणिक में भी बहुत पुरानी है, राम जी के समय की है और आपको पांडव लोगों के समय की है, द्रौपदी जी ने भी किया था, सीता मैया ने भी किया था, ये सब है, तब से चला आ रहा है कंटिन्यू, ये परंपरा है जो हम लोग अच्छे से निभाई रहे हैं सभी के सभी। कब से यहाँ मना रहे हैं आप? राजीव ने जब से चालू किया हम लोग तब से शुरू करना शुरू से ही है। ये देख सकते हैं यहाँ पे छठी जो है छठ में जो व्रत महिलाएं जो है यहाँ पे मौजूद हैं और अपना जो है पूजा पाठ विधि विधान के साथ कर रहे हैं। आइए जानते हैं यहाँ के जो पंडित जी से कि इस छठ व्रत के बारे में क्या कुछ कहते हैं।
हमारे साथ आज जो है छठ पर्व के विशेष अवसर पर हमारे साथ मौजूद है छठ पर्व को जो मनाने के लिए जो संपूर्ण आयोजन कर्ता के रूप में हमारे साथ पंडित जी मौजूद है। जी पंडित जी बताएं कि छठ पर्व की पौराणिक महत्ता से लेकर अब तक की जो छठ पर्व के बारे में। छठ पर्व जो है आस्था का पर्व है, सभी लोग जो मनोकामना लेकर के छठ मैया का व्रत करते हैं उनका छठ मैया मनोकामना पूर्ण करती है। और यह आज से नहीं पौराणिक कथा है कि पुत्र प्राप्ति के लिए जिस महिला को पुत्र नहीं है पुत्र प्राप्ति के लिए और जो जिस महिला को पुत्र है उनके दीर्घायु के लिए इस व्रत को करते हैं। कुंती माता भी इस व्रत को की थी द्वापर युग में, उसी तरह से सीता माँ भी की थी इस व्रत को, सीता जी। और यह कथा देवसेना से ये है, पौराणिक कथा है कि कुंती माता जो है इस व्रत को की अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए, सीता माता भी इस व्रत को की। और उत्तर भारतीय यह विशेष पर्व है, जहाँ कहीं भी लोग रहते हैं इस व्रत को करने के लिए जरूर अपने घर नियत स्थान पर जाते हैं। यह व्रत बहुत ही आस्था का विषय है। कब से यह जो है पर्व चालू होता है और आज जो है? यह पर्व 3 दिन का व्रत है, 1 दिन नहा खा, जिस दिन महिलाएं स्नान ध्यान करके सारा सात्विक भोजन करके अपना सब साफ सफाई घर का करके घाट का सफाई करते हैं लोग, दिन जो है खरना बोलते हैं, नहा खा खरना बोलते हैं, खरना का व्रत के रूप में मनाया जाता है। उस दिन महिलाएं निर्जला उपवास रहती हैं और शाम के समय सूर्य भगवान को अर्घ दे करके रात्रि में गौ का अग्रासन, गौ ग्रास निकाल करके अग्नि को भोजन दे करके भोजन करती हैं, मीठा चीज रसिया और रोटी। और तीसरे दिन षष्ठी के दिन शाम के सूर्य मतलब डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं, निर्जला उपवास रहती हैं। सप्तमी के दिन जो आखिरी दिन है उस दिन महिलाएं उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके अपने अपना उपवास तोड़ती हैं। यह ऐसा व्रत है कि जो मन में आप ठान करके चाहे माता जी से जो मांगते हैं वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो ये थे हमारे साथ पंडित जी, जिनका आज जो है आज छठ पर्व के बारे में आपने विशेष बात रखी। ऐसे ही ग्राउंड न्यूज की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मैं हूँ नागिनी साथ।